हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज चलिए आज के वीडियो में करते हैं अगला यूनिट यूनिट नंबर सेवन वर्किंग विथ नंबर्स टिल फिफ्टी सो so, देखिए ये है हमारा यूनिट नंबर सेवन वर्किंग विथ नंबर्स टिल फिफ्टी सो लास्ट यूनिट में हमने नंबर्स ट्वेंटी तक पढ़े थे ट्वेंटी के अंदर के एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब हमने अपने लास्ट यूनिट में पढ़े थे सो so, अब इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं नंबर फिफ्टी तक थोड़ा और आगे चलते हैं नंबर्स में ठीक है आगे के नंबर्स भी पढ़ते हैं और उनके नंबर नेम्स भी जैसे कि आगे देखिए लेट मी काउंट द बर्गर्स एंड सी इफ यू आर क्विकर देन मी सो माउस हमसे बर्गर को काउंट करने के लिए बोल रहा है सो so, अब देखते हैं कि हम ट्वेंटी के ऊपर वाले नंबर्स कैसे लिखेंगे और उनके नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे So, अब देखिए ये बॉक्स देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने बर्गर्स हैं यहाँ पे टू प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहाँ पे फर्स्ट प्लेट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बर्गर्स इस प्लेट में हैं और इस प्लेट में भी टेन बर्गर्स हैं सो टेन बर्गर्स और टेन बर्गर्स कितने हो गए ट्वेंटी बर्गर्स और ट्वेंटी बर्गर्स और वन बर्गर सो कितना हो गया ट्वेंटी बर्गर्स और वन बर्गर ट्वेंटी वन बर्गर ठीक है सो यही यहाँ पर दिया है ट्वेंटी वन कैसे मिला यानी दो बार टेन आया क्योंकि ट्वेंटी है और एक वन ठीक है सो प्लेस में टू लिखेंगे क्योंकि कितने टेंस है दो प्लेट है है ना दो टेन के प्लेट है सो टेंस में टू लिखेंगे और वंस में वन लिखेंगे सो वो होता है ट्वेंटी वन, सो ट्वेंटी वन और उसकी स्पेलिंग कैसी होगी ट्वेंटी तो हमने पढ़ा था लास्ट यूनिट में और वन भी हमने पहले पढ़ चुका है सो बहुत इजी है ट्वेंटी और वन की स्पेलिंग हो जाएगी ट्वेंटी वन की स्पेलिंग ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे तो पहले ही पता है हमने कि ट्वेंटी टेन प्लस टेन ट्वेंटी बर्गर्स है सो ट्वेंटी बर्गर और टू बर्गर्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी बर्गर्स और थ्री बर्गर्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी बर्गर्स और फोर बर्गर्स ट्वेंटी फोर इस तरीके से आपको पूरा समझना है सो टेंस वंस कैसे लिखेंगे ट्वेंटी मतलब टेंस प्लेस में टू कितने टेंस है दो टेन के प्लेट है, है ना इसीलिए हम टेंस प्लेस में टू लिखेंगे क्योंकि टेन के दो प्लेट है यहाँ पे दो टेंस है और वंस फोर है ओके वन टू थ्री फोर इसीलिए ये बना ट्वेंटी फोर अभी समझ में आ रहा है आपको और इसी तरीके से आप ये सारा रीड करके देखिए और आपको समझ में आएगा और स्पेलिंग्स भी बहुत आसान है ट्वेंटी की स्पेलिंग हमने पढ़ ली है और वन टू थ्री फोर फाइव तो हमें आता ही है पहले से तो हम दोनों को मिलाकर लिख देंगे और हो जाएगी हमारी ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन की स्पेलिंग एंड लास्ट में आता है हमारा थर्टी थर्टी की स्पेलिंग क्या है हमने थर्टीन में पढ़ा था ना टी एच आई आर वही वाली स्पेलिंग आएगी टी एच आई आर टी वाई थर्टी सो देखिए इस पेज में हमने पढ़ा ट्वेंटी वन टू थर्टी अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नंबर्स थर्टी वन टू फोर्टी कैसे लिखते हैं देखिए लास्ट पेज में जो एग्जाम्पल थे बर्गर के उसी तरीके यहाँ पे ग्रेप्स दिया हुआ है यहाँ पर देखिए थर्टी वन मतलब क्या थ्री टेंस है ना तीन बार जब टेंस बन जाते हैं तब वो थर्टी बन जाता है ठीक है सो कैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बंच ऑफ ग्रेप में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ पे टेन ग्रेप्स हैं सो टेन ग्रेप्स प्लस टेन ग्रेप्स प्लस टेन ग्रेप्स तीन टेन टेन ग्रेप्स हैं सो so, टेंस में हम क्या लिखेंगे थ्री लिखेंगे ओके okay? क्योंकि यहाँ पे थ्री टेंस हैं सो टेंस में थ्री आएगा और वंस में वन सो so, क्या बन जाएगा थर्टी वन थ्री वन थर्टी वन नेक्स्ट देखिए टेंस में थ्री क्योंकि यहाँ पे तीन टेंस है है ना तीन बार टेंस ऐड करना है हमें है ना सो टेंस में थ्री और वंस में टू सो थर्टी टू टेंस में थ्री वंस में थ्री थर्टी थ्री टेंस में थ्री वंस में फोर थर्टी फोर टेंस में थ्री वंस में फाइव थर्टी फाइव सो इसी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है टेंस मतलब कितनी टेन के बंडल हैं ठीक है टेन कितनी बार आ रहा है और वंस मतलब टेन के नीचे वाले नंबर्स जो कि हमें काउंट करके मिलेंगे ठीक है और यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स भी पढ़नी है थर्टी की स्पेलिंग पढ़ ली तो थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री ये सब आसानी से आप लिख सकते हैं और फोर्टी की स्पेलिंग कैसे होगी देखिए एफ ओ आर टी वाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा जैसे कि फोर की स्पेलिंग में एफ ओ यू आर आता है लेकिन 40 की स्पेलिंग में यू नहीं आता सिर्फ एफ ओ आर टी वाई ओके सो कंफ्यूज नहीं होना है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब उसी तरीके से नंबर्स 41 वन टू फिफ्टी करेंगे ठीक है यहाँ पर हमें बनाना काउंट करने हैं सो देखते हैं कितनी बार टेंस रिपीट हो रहा है देखिए कितनी बार टेन रिपीट हो रहा है यहाँ पे यहाँ पर टेन बनाना है यहाँ पर भी टेन 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 सो चार बार टेंस आ रहा है उसका मतलब हम टेंस में फोर लिखेंगे अभी समझ में आ रहा है आपको ठीक है टेंस में चार बार बनाना सारे हैं फोर टेंस है यहाँ पे कितने टेंस है टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन यानी फोर्टी बनाना से है ना फोर बार टेन आ रहा है मतलब फोर्टी बनाना से है इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है टेंस में फोर और वंस में वन सो वो हो जाएगा फोर्टी वन और यहाँ पे टेंस में फोर और वंस में टू फोर्टी टू Tense में फोर और वंस में थ्री फोर्टी थ्री अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा है ना कि टेंस में जो है फोर मतलब फोर्टी अगर आप टेन में फोर लिखेंगे उसका मतलब है फोर्टी चीजें हैं आपके पास और वंस और थ्री है मतलब फोर्टी थ्री ओके सो इसी तरीके से सम समझना है आपको ये पूरा और लास्ट में देखिए फोर्टी और यहाँ पर भी टेन यानी फोर्ट प्लस टेन फिफ्टी और आपका नंबर हो जाएगा अगेन नंबर नेम्स देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं और लास्ट में की स्पेलिंग लिखेंगे आपने फिफ्टीन में पढ़ा था एन पढ़ा था ना फिफ्टीन में उसी तरीके से एफ आई एफ टी वाई फिफ्टी सो इस यूनिट में हम फिफ्टी नंबर्स तक के अंदर के सारे सम्स करने वाले हैं ओके सो अभी आपको समझ में आया नंबर बनता कैसे है, करते है problems, अब करते हैं इनके ऊपर प्रॉब्लम्स यानी कि सम्स अब देखिए राइटिंग नंबर्स ट्वेंटी वन टू फिफ्टी अब ट्वेंटी वन टू फिफ्टी वाले सारे नंबर्स हम लिखेंगे कैसे उनको टेंस में ठीक है बहुत ही सिंपल है देखिए 32 32 को थर्टी टू का क्या मतलब है इसमें थ्री टेंस है और टू वंस है है ना तो इनको एक्सपैंड करके हम कैसे लिखेंगे टेंस में लिखेंगे थ्री वंस में लिखेंगे टू नेक्स्ट नंबर फोर्टी थ्री टेंस में लिखेंगे फोर वंस में लिखेंगे थ्री नेक्स्ट नंबर फिफ्टी टेंस में फाइव वंस में जीरो इन दोनों को अलग अलग करके आपको लिखना है टेंस मतलब इसमें फोर टेंस है ठीक है यानी चार बार टेंस आ रहा है और यहाँ पर लिखेंगे सो फोर्टी सिक्स देखिए सपोज आपको नंबर दिया है फोर्टी फाइव सो कौन सा नंबर वंस में जाएगा कौन सा नंबर टेंस में जाएगा जो लास्ट वाला नंबर है ये ये जाएगा वंस में और फोर जाएगा टेंस में इस तरीके से आप टेंस वस फिल करेंगे नेक्स्ट नंबर नंबर थर्टी सिक्स सो सिक्स जाएगा वंस में थ्री आएगा नेक्स्ट नंबर फाइव जीरो फिफ्टी सो जीरो जाएगा वंस में फाइव जाएगा टेंस में सो so, टेंस में फाइव वंस में जीरो अभी क्लियर हुआ आपको किस तरीके से टेंस वंस फिल करेंगे जो भी नंबर मिला होगा उसमें जो पहला नंबर है वो आप टेंस में लिखेंगे दूसरा नंबर को वंस में लिखेंगे Then, उसका उल्टा भी आ सकता है जैसे कि यहां पर देखिए टेंस दिया होगा और आपको नंबर लिखना है टेंस में थ्री वंस में फाइव थर्टी फाइव में फोर वंस में वन फोर्टी वन में टू वंस में नाइन ट्वेंटी नाइन सो इस तरीके से नंबर्स आपको लिखने आ सकते हैं So, सो तरीके से आप करिएगा आगे चलते हैं अब यहाँ पे हमें क्या करना है फिल द मिसिंग नंबर्स इन ऑर्डर यहाँ पे जो है नंबर्स मिस हो गए हैं उनको आपको लिखना है देखिए इलेवन टलेवन दिया है ट्वेल्व दिया है फिर सारा मिसिंग है ट्वेंटी दिया है सो so, हमें पता है इलेवन ट्वेल्व के बाद क्या आता है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ये आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है उन उस ऑर्डर को कंप्लीट करना है आगे देखिए ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन के बाद आप लिखते जाइए ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स लास्ट में ऑलरेडी रिटर्न है ठीक है so, सो इसी तरीके से आप ये सारा पेज करेंगे ये सब ये सब आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने वन टू फिफ्टी सीख लिया है लिखना तो अगर आपको वन टू फिफ्टी काउंटिंग करनी आती है लिखनी आती है सो so आप ये ब्लैंक्स को आराम से फिल कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर आपको नंबर और उनके नंबर नेम्स लिखने हैं सो so ये लाइन क्या बोल रहा है आई कैन गेट आउट इफ आई राइट ऑल द नंबर और नंबर नेम्स करेक्टली हेल्प मी ये लाइन बोल रहा है अगर आप सारे नंबर्स और नंबर नेम्स करेक्टली लिखोगे तो मैं इस जाल से बाहर आ पाऊंगा सो so आपको उसको हेल्प करना है ना सो so, बिना मिस्टेक के सारा लिखिएगा नंबर और उनके नंबर नेम्स ठीक है सो यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पे नंबर नेम्स दिए हैं आपको रीड करना है ट्वेंटी फाइव और वो नंबर आप लिखेंगे फोर्टी नाइन सो फोर्टी नाइन लिखेंगे और अब इसका अपोजिट यहाँ पे नंबर्स दिए हैं और उनके नंबर नेम्स लिखने हैं स्पेलिंग्स याद करना है अच्छे से तभी आप ये कंप्लीट कर पाओगे ओके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं लानी है ठीक है सो आगे चलते हैं अब अब हमारा अगला टॉपिक है बिफोर आफ्टर देखिए बिफोर आफ्टर नंबर हमने यूनिट टू में भी किया था जब हमने नंबर्स वन टू टेन है ना कौन सा नंबर पहले आता है उसको बिफोर बोलते हैं और जो नंबर बाद में आता है उसको आफ्टर बोलते हैं सो अभी हम ये बड़े नंबरों के साथ करेंगे देखिए हे डू यू नो हु इज वेयर मतलब कौन पहले है और कौन बाद में है ये हमें पता लगाना है फिर देखिए एक नंबर लाइन है वहां पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से नंबर्स दिया है सो so, देखिए ये जो माउस है ये कहाँ बैठी है नंबर थ्री पे और जो कैट है वो नंबर फोर पे बैठी है ठीक है तो इसका नाम रोस है इसका नाम बॉस है सो रोस इज बिफोर बॉस बॉस यानी बिफोर मतलब पहले सो रोस बॉस के पहले है सो रोस जो है बॉस के पहले है सही है ना ये आगे बैठी है सो ये पहले है देन बॉस इज आफ्टर रोस यानी बॉस रोस के बाद में बैठा है सो ये भी सही है तो बिफोर आफ्टर पता होना चाहिए ठीक है तभी आप सारे आगे के प्रॉब्लम्स कर पाओगे बिफोर मतलब पहले आफ्टर मतलब बाद में थ्री इज बिफोर फोर थ्री फोर से पहले आता है और फोर थ्री के बाद में आता है आप आगे के प्रॉब्लम्स देखिए आपको बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर लिखने हैं यहाँ पे नाइन के पहले क्या आता है? Nine के पहले तो एट आता है है ना सो आप एट लिखेंगे फोर के पहले थ्री आता है एटीन के पहले सेवनटीन आता है अगर आपने काउंटिंग सीखी है बैकवर्ड काउंटिंग भी सीखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले नंबर कौन सा आता है ठीक है सिक्सटीन के पहले क्या आता है फिफ्टीन तो इस तरीके से बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर आपको फिल करने हैं. आफ्टर नंबर कैसे करेंगे बाद वाला नंबर फोर के बाद में क्या आता है फाइव आता है टू के बाद थ्री थर्टीन के बाद फोर्टीन फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन सो तो इस तरीके से बाद वाला नंबर भी लिखना है और जो नंबर पहले आता है वो भी लिखना है ठीक है सो इस तरीके से आपका बिफोर आफ्टर हो जाएगा देखिए जैसे कि ये आपके नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव है ना अगर वो पूछेंगे कि थ्री के पहले क्या आता है थ्री के बिफोर सो बिफोर मतलब इस तरफ आगे की तरफ ठीक है so सो आगे कौन आता है टू है ना सो व्हाट कम्स बिफोर थ्री टू वॉट कम्स आफ्टर थ्री आफ्टर मतलब बाद में तब आप कहेंगे ठीक है है आता थ्री के बाद में अब देखिए फोर से पूछते हैं फोर आपके पहले कौन आता है वॉट कम्स बिफोर फोर बिफोर फोर मतलब पहले फोर यानी थ्री एंड फोर मतलब फोर के बाद में और वो हो गया फाइव ठीक है सो इस तरीके से हम बिफोर आफ्टर करते हैं अब between कैसे करते हैं? Between मतलब बीच का नंबर। अगर क्वेश्चन में पूछेंगे टू और फोर के बीच में कौन आता है हु कम्स बिटवीन टू एंड फोर सो आंसर क्या होगा थ्री है ना टू और फोर के बीच में कौन बैठा है थ्री बैठा है है ना वन और थ्री के बीच में कौन बैठा है टू बैठा है थ्री और फाइव के बीच में कौन बैठा है थ्री और फाइव के बीच में फोर बैठा है ठीक है so, सो इस तरीके से हम बिटवीन नंबर्स करते हैं सो so, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अब बिटवीन बिटवीन मतलब बीच में सो so, यहाँ पे देखिए तीन बच्चे खड़े हैं ये है सारा ये रोहन और ये अतुल अभी देखिए सारा और अतुल के बीच में कौन खड़ा है सो so, आप क्या बोलोगे रोहन खड़ा है है ना सो so, इसी तरीके से देखिए सारा नंबर फोर पे खड़ी है और अतुल नंबर सिक्स पे खड़ा है ठीक है सो इन दोनों के बीच में कौन आता है नंबर फाइव फोर और सिक्स के बीच में नंबर फाइव यानी जहां पर रोहन खड़ा है सो बीच वाला नंबर ढूंढना बहुत ही आसान है है कि नहीं सो इसी तरीके से आप ये पूरा फिल करेंगे देखिए एट डैश टेन एट और टेन के बीच में कौन आता है सो आप यहाँ पे लिखेंगे नाइन है ना काउंट करके देखेंगे अगर आपको याद नहीं आ रहा नंबर सो आप काउंट करके देखेंगे नाइन डैश इलेवन नाइन टेन इलेवन ठीक है सो बीच वाला नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं बड़े नंबर्स में भी लिखते समय ध्यान रखिएगा आप वो लाइन काउंट करिएगा ठीक है फोर्टी टू डैश फोर्टी फोर फोर्टी थ्री सो इस तरीके से बीच वाले नंबर को हम बोलते हैं बिटवीन नंबर्स ठीक है बीच वाला नंबर मतलब बिटवीन नंबर्स अब चलते हैं आगे अब देखिए आगे हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है देखिए दो नंबर्स दिए होंगे और आपको जो है उसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ड्रॉ करना है जो कि इस तरीके से हम बनाते हैं ये कौन है ये है आपका क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर ठीक है सो एलिगेटर क्या करता है हमेशा बड़ा नंबर की तरफ मुंह खोलता है हमेशा बड़े नंबर को खाता है उसको भूख ज्यादा लगती है ना सो so वो जहां पर चीजें ज्यादा होगी वहीं पर अपना मुंह खोलेगा ठीक है so सो देखिए जब वो मुंह अपना इस तरफ खोलेगा यानी आपके राइट साइड की तरफ ठीक है जब वो एल शेप में देखिए लेटर भी देखिए Less than, अगर मो अगर एलिगेटर ने मो इस तरफ खोल रखा है तो आप उसको लेस देन बोलेंगे और अगर एलिगेटर ने मो अपना इस तरफ खोल रखा है आपकी लेफ्ट साइड की ओर तब तो आप उसको बोलेंगे ग्रेटर देन ठीक है सो ये दोनों साइन है और अगर समझिए दोनों जगह पर नंबर बराबर हो ठीक है दोनों जगह पर एक जैसा नंबर हो तो वो किसी को नहीं खाएगा वो बस सोचता रह जाएगा कि मैं किसको खाऊं ठीक है so सो वो होता है हमारा इक्वल टू क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया उसको नहीं पता कि मैं कौन सा नंबर खाऊं ठीक है so सो वो हमारा इक्वल टू साइन हो गया सो so अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये तीनों को हमें कैसे ड्रॉ करना है देखिए बुक में ग्रेटर देन लेस देन सो सिक्स इज ग्रेटर देन टू उसका मतलब क्या है सिक्स टू से बड़ा है देखिए कहाँ कहा मुंह खुला है सिक्स की तरफ मुंह खुला है तो इसको पढ़ते कैसे हैं ये देखिए जब वो इस तरफ मुंह खोलता है मैंने आपको बताया था ये ग्रेटर देन होता है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे सिक्स टू से बड़ा है सिक्स इज ग्रेटर देन टू यहाँ पे देखिए थ्री इज लेस देन फाइव ठीक है यानी थ्री फाइव से छोटा है सो अब यही आपको यहाँ पर लिखना है और प्रॉपरली उसका साइन लगाना है देखिए नाइन इज ग्रेटर देन सेवन कैसे लिखेंगे नाइन सेवन से बड़ा है सो so, मो आप इस तरफ खोलेंगे क्योंकि नाइन बड़ा है नेक्स्ट फोर इज लेस देन एट लेस देन कैसे लिखते हैं लेस देन मतलब मो इस तरफ खुलेगा ठीक है so, सो पहले फोर लिखेंगे फिर एट लिखेंगे और बड़े नंबर की तरफ मो खोलेंगे इस तरीके से आप ये सारा करेंगे 20 इज ग्रेटर सो एक जगह 20 लिखेंगे एक जगह 18 लिखेंगे और बड़े नंबर की तरफ मुंह खोलेंगे सो so, 18. नेक्स्ट वन 46 इज ग्रेटर देन 36. 46 लिखेंगे 36, लिखेंगे और बड़े नंबर की तरफ मुंह खोलेंगे ठीक है so, सो 46 बड़ा नंबर है सो so, इस तरफ मुंह खोलेगा सो so, इसी तरीके से आप ये सारा करेंगे आगे भी देखिए यही करना है आपको ये साइंस ड्रा करने हैं छोटा है बड़ा है कि बराबर है ठीक है सो कैसे करना है 16 14 सो so 16 बड़ा है इस तरफ मुंह खुलेगा 26 29 29 बड़ा है सो so मुंह इस तरफ खुलेगा Then 23, 23. ये दोनों नंबर तो सेम है तब हम क्या डालेंगे Equal to वाला साइन डालेंगे, यानी दो स्लीपिंग लाइंस छोटी सी करेंगे। Then आगे देखिए कौन सा नंबर बड़ा है थर्टी एट थर्टी एट की तरफ मुंह खोलेंगे 19 is greater than 17. 33, 37. 33 is less than 37. 42, 41. 42 is greater than 41. 20 is greater than 18. ठीक है इस तरीके से आपको ये लिखना है और कंप्लीट करना है अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे नंबर से बड़ा नंबर लिखना उनको अरेंज करना यहाँ पे देखिए मुझे कुछ नंबर्स दिए हैं अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है तो मैं सबसे छोटे नंबर को पहले लिखूंगी सबसे छोटा नंबर है टू फिर कौन सा आएगा थ्री फिर फोर और फिर फाइव देखा आपने मैंने छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखा यानी ये हो गया हमारा एसेंडिंग ऑर्डर देखिए बुक में अब ये बड़े नंबर के साथ भी आप कर सकते हैं ना यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स यानी ऊपर की तरफ जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना अब यहाँ पे देखिए थर्टी एट टू फोर्टी थ्री को आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में यानी थर्टी एट से फोर्टी थ्री तक आप लिखेंगे छोटे नंबर से बड़ा नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट आपको लिखना है जब हम करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं वही होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे नंबर से बड़ा नंबर सो इस तरीके से आपको लिखना है अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं सबसे पहले फाइव फिर फोर फिर थ्री फिर टू देखा आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर देखिए बुक में डिसेंडिंग ऑर्डर फोर्टी सेवन फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव फोर्टी फोर फोर्टी थ्री फोर्टी टू यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना जैसे कि हम सीढ़ियां उतर रहे हो यानी ऊपर से नीचे आना ठीक है तो इसी तरीके से आपको अभी ये भी करना देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे उसमें से आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है और सबसे बड़ा नंबर ठीक है तो आप कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे सिक्स एट नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन इसमें से ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है ना यानी छोटे नंबर से बड़ा नंबर में ही ये लिखा हुआ है तो आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है जो कि है सिक्स और सबसे बड़ा नंबर फिफ्टीन ठीक है तो इस तरीके से आपको लिखना है यहां पे देखिए राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यहां पर भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है देखिए कुछ नंबर दिए हैं असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या छोटे नंबर से बड़ा नंबर So, सबसे पहले आप इनमें से सबसे छोटा नंबर उठाएंगे जो कि है थर्टीन उसके बाद क्या आएगा सेवेंटीन फिर एटीन फिर ट्वेंटी फिर ट्वेंटी एट सो सबसे छोटा नंबर कौन सा है थर्टीन और सबसे बड़ा नंबर ट्वेंटी एट ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए इस लाइन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज थर्टीन ग्रेटेस्ट नंबर इज ट्वेंटी एट अब यहाँ पर भी देखिए कुछ नंबर्स दिए हैं इनको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आप अरेंज करके लिखेंगे ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर अब आगे आ रहा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े नंबर से छोटा नंबर ठीक है सबसे पहले लिखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर और लास्ट में लिखेंगे सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभी इधर देखिए इधर भी कुछ नंबर्स आपको दिए हैं इसमें आप सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी बड़े नंबर से छोटा नंबर सो सबसे बड़ा कौन सा है ट्वेंटी उससे छोटा एटीन उससे छोटा सेवेंटीन उससे छोटा सिक्स और लास्ट में जाकर थ्री ओके okay, तो इस तरीके से अरेंज करना उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सो so, इसी तरीके से आप ये भी कंप्लीट करेंगे सो so, हमारा चैप्टर भी यहां पर कंप्लीट हो गया है आगे देखिए एक एक्टिविटी वर्कशीट दी गई है ये आपको करना है या आपका टेस्ट है पूरा चैप्टर करने के बाद ये जो है आपका टेस्ट पेपर के जैसे है देखिए काउंट एंड राइट द नंबर एंड इट्स नेम यहाँ पे जो है आपको काउंट करनी है ठीक है देखिए टेन टेन ट्वेंटी और थ्री ट्वेंटी थ्री ठीक है सो ट्वेंटी थ्री नंबर में भी लिखेंगे नंबर नेम्स में भी लिखेंगे यहाँ पे देखिए लड्डूस रखे हैं ये टेन लड्डूस टेन लड्डूस टेन लड्डूस टेन लड्डूस तो so कितनी बार टेन हुआ वन टू थ्री फोर सो फोर्टी लड्डूस और फाइव लड्डू सो फोर्टी फाइव सो यहाँ पे फोर्टी फाइव लिखेंगे ये देखिए बनाना यहाँ पे टेन बनाना ट्वेंटी थर्टी थर्टी टू और टू ठीक है सो थर्टी टू नंबर भी लिखेंगे और नंबर नेम्स में भी लिखेंगे देन राइट द नंबर्स बिटवीन बीच का नंबर आपको लिखना है ट्वेंटी नाइन और थर्टी वन के बीच में थर्टी फोर्टी थ्री फोर्टी फाइव के बीच में फोर्टी फोर थर्टी सेवन और फोर्टी के बीच में दो नंबर्स हैं थर्टी एट और थर्टी नाइन दोनों लिखना है मिसिंग नंबर्स हैं ये देन जो हमने पढ़ा था ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है ये भी इजी है है ना जो आपका एलिगेटर है वो हमेशा बड़ा नंबर ही खाता है तो आप बड़े नंबर की तरफ मुंह खोल देंगे ठीक है सो आपको ये भी करना है और अगर दोनों तरफ नंबर बराबर होगा यहां पर देखिए फिफ्टीन फिफ्टीन सो आप इक्वल टू डालेंगे एक जगह नंबर लिखा है और एक जगह नंबर नेम लिखा है पर नंबर तो दोनों बराबर ही है ना फिफ्टीन फिफ्टीन सो आप इक्वल टू का साइन डालेंगे सो इस तरीके से ये भी करेंगे देन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कुछ नंबर्स देंगे और उनको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करना है तो देखिए आपका एग्जाम भी इसी तरीके से होगा ठीक है सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करके इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर भी होंगे देन स्प्लिट इन टू एंड वंस हमने पढ़ा था एक नंबर में टेंस कहाँ लिखते हैं और वंस कहाँ लिखते हैं है ना सो so, टेंस के नीचे पहला नंबर थ्री वंस के नीचे दूसरा नंबर फाइव 20 को भी टेंस वंस में लिखेंगे देन ऐड ऑन नंबर लाइन नंबर लाइन में एडिशन ऐड add करना है ना 12 plus 7 सो so सबसे पहले 12 में जाके खड़े हो जाएंगे 12 में और वहां से 7 बार जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और आंसर आ जाएगा आपका 19 सो so इस तरीके से एडिशन ऑन नंबर लाइन देन लास्ट में देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम है एडिशन स्टोरी है कैसे अनीता अनीता हैड के पास फूल थे यूज्ड ट्वेल्व ऑफ देम फॉर मेकिंग अ गार्ड उसने फिफ्टीन फूल में से ट्वेल्व फूल गारलैंड बनाने के लिए यूज किया गारलैंड मतलब हार ठीक है हम फूलों की हार बनाते हैं ना फूलों की माला बनाते हैं उसको गारलैंड बोलते हैं सो so, अनीता के पास फिफ्टीन फूल थे उसमें से ट्वेल्व उसने हार के लिए यूज कर लिया हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट विथ हर अब उसके पास कितने बचे हैं तो आप क्या करेंगे फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व करेंगे क्योंकि ट्वेल्व जो है खत्म हो गए हैं और अब हमें बचे हुए को ढूंढना है जो कि आपका आएगा फाइव माइनस टू थ्री वन माइनस वन जीरो सो कितने बचे थ्री बचे ठीक है सो आंसर हो जाएगा थ्री उसके पास सिर्फ थ्री फ्लावर्स बचे हैं सो so, यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट हो गया हमारा होप कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ओके okay? सो so, अगला यूनिट करते हैं अब अपने अगले वीडियो में सो so, मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय